सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश मिंडल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को जो रशिया के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब जानकारी देना चाहूँगा जो आपको यूजुअली कोई कंसल्टेंट नहीं देता है। जब भी आप वहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं या आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रूवल लिस्ट की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रशिया की 54 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट दिया हुआ है। वही सेम लिस्ट इंडियन एम्बेसी मॉस्को की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन्हीं 54 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन प्रेफर करना है। इसके बाद बात आती है यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया की। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 18 में या 19 में नीट लिखा है वो 2020 तक एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि नीट का स्कोर अब्रॉड की स्टडीज़ के लिए 3 साल तक वैलिड है। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन होने के टाइम हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ीस क्या है, वहाँ एक्चुअल फैसिलिटीज़ क्या है, क्योंकि मैक्सिमम कंसल्टेंट्स ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं। ट्राई पार्टी और टू पार्टी एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बताना चाहूँगा आपको। टू पार्टी एग्रीमेंट वो है जिसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है, कंसल्टेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता। यानी कि जो भी कंसल्टेंट आपको इंडिया से भेजेगा वो अपने जो भी फैसिलिटेशन चार्जेस होंगे, प्रोसेसिंग, कंसल्टेंसी, कोई भी तरह के चार्जेस होंगे वो आपसे सिर्फ एक बार चार्ज कर सकता है। उसके बाद सेकेंड ईयर से, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से जो आपके फाइनेंशियल पार्ट्स हैं यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद से पे करेंगे, वो एज एक्चुअल फीस आप पे करेंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में क्या होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट या वो कंपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है, उसके बाद जो स्टूडेंट वहाँ चला जाता है तब स्टूडेंट के साथ साइन वो कंपनी करती है, ना कि यूनिवर्सिटी करती है। यूनिवर्सिटी यदि स्टूडेंट से कर रही है तो वो डायरेक्ट टू पार्टी एग्रीमेंट है, लेकिन जब कंसल्टेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें आपको नुकसान कैसे होता है ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जब कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी के साथ में अपना एग्रीमेंट कर रहा होता है या कंपनी एग्रीमेंट कर रही होती है, तो मान लीजिए एक्चुअल फीस गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से यूनिवर्सिटी की सपोज 2 लाख रशियन रुपये है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कंसल्टेंट जब स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसमें वो फीस को बढ़ा देते हैं और ऑलमोस्ट 2,40,000 या 2,50,000, डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कितना पैसा पर ईयर पर स्टूडेंट अर्न करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी फीस इंक्रीज़ कर देते हैं। आप मानिए यदि 50,000 रशियन रुबले भी आपका पर ईयर ज़्यादा कर दिया गया है तो आप 6 साल के कोर्स में ऑलमोस्ट 3 लाख रशियन रुबले उन्हें देंगे। यदि 25,000 रशियन रुबले भी एक्स्ट्रा कर दिया गया है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में तो 1.5 लाख रशियन रुबले आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के बाद यदि आपने ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उसके बाद यदि आपको पता लगता है 1 साल या 2 साल के बाद कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ीस इतनी है, तो आप वहाँ किसी तरह की कंप्लेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट और वहाँ की यूनिवर्सिटी इसे वैलिड मानती है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है, उसके बाद ही आपने इसको साइन किया है। वेयर एज जब आप इंडियन एम्बेसी में भी कंप्लेंट करेंगे तो वो भी इस चीज़ से बाउंड है, क्योंकि जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं वहाँ ये लीगल है, तो वो भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन है। इसलिए हम जब भी एडमिशन लें तो हमें यह ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ीस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, और आपको वही यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करनी है जिसमें टू पार्टी एग्रीमेंट हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और आपके बीच में, ना कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो। बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि जो अभी तक इंडिया से रशिया नहीं गए हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ीस क्या है। सबसे पहले तो जब आप टू पार्टी एग्रीमेंट में जा रहे हैं और यदि आपको फ़ीस का आइडिया नहीं आता है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो टू पार्टी एग्रीमेंट रखती हैं वो अपनी फ़ीस को ट्रांसपेरेंटली अपनी वेबसाइट पर डाल के रखती है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो आप श्योर मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ीस से आप एक्स्ट्रा फीस ही पे करेंगे, क्योंकि यदि कोई कंपनी या कोई कंसल्टेंट इतना ऑनेस्ट है कि वो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेना चाहेगा तो वो आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अवॉइड करती हैं। नॉर्थ की बीच स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, मस्की स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टू पार्टी एग्रीमेंट में हमेशा जाती हैं या स्टूडेंट के फेवर के लिए हमेशा टू पार्टी एग्रीमेंट करती हैं ताकि स्टूडेंट के साथ किसी तरह की चिटिंग ना हो। इसलिए आपका ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है, थोड़ा रिसर्च करके चलना है कि
कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं क्या वो आपको एक्चुअल फीस बता रहा है, और यदि आप टू पार्टी एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो आप बेझिझक होकर रहे, बस इतना आपका आइडिया रहना चाहिए कि जो फीस वो बताए वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिले, या आप लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन लेटर जो है रेफरेंस लेटर वो आप यूज़ कर सकते हो ट्रस्ट देने के लिए कि हाँ इनका फीस स्ट्रक्चर इतना ही है। इसके अलावा यदि आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो रशिया में जैसे हर कोर्स का एक कोड है, तो मेडिकल जनरल मेडिसिन जो है उसका एक कोड है 31.05.01। आप उनके जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर दिए हुए हैं आप किसी भी शीट को निकालते हैं, वहाँ आपको जब रशियन में मिलता है आप यदि उसको नहीं पहचान पाते हैं रशियन लैंग्वेज को, तो आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास में एंड्रॉइड फ़ोन है, तो आप उस फोटोज़ को कैप्चर करके गूगल ट्रांसलेट के जरिए ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% एक्यूरेसी आ जाएगी, तो आपको आइडिया आएगा कि मैं कौन सा कोर्स देख रहा हूँ। लेकिन यदि आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से ये नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने आपको जनरल मेडिसिन का कोड बताया है 31.05.01, ये कोड आप उसमें सर्च कर लीजिए, उसके सामने जो ट्यूशन फीस लिखी होगी और रशियन रूबल में होगी वही आपकी ट्यूशन फीस होगी हर ईयर। इसलिए मेरी उन सभी स्टूडेंट से ये विनती है कि यदि आप एडमिशन रशिया में लेना चाहते हैं और आप किसी भी तरह की चीटिंग से बचना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी बचाना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले जो सावधानियाँ मैंने आपको बताई है आपको उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए और इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके साथ किसी भी तरह की ठगी होने से बचेगी। और आपके किसी तरह के डाउट्स आते हैं तो आप हमारे को दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।